जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका ये जो टाइपिंग, आप असम राइफल में जब आप जाओगे बैठने टाइपिंग करोगे तो ऐसा आपको कुछ सॉफ्टवेयर मिलेगा और आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस आपको पूरा क्लियर कट नहीं मिलेगा देखने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको वहाँ पर जाना, जो एक मिनट का आपको डेमो मिलता है ना, जब एक मिनट का डेमो मिलता है आप उसी के अंतर्गत जो भी करना रहता है आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो भी ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, अन्यथा आपको वैसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस ओपन होके नहीं मिलेगा कि आप दो मिनट तीन मिनट तक पढ़िए फिर उसके बाद आगे जाइए। तो आप गलत से बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं और वहाँ पे जाके बैठ जा रहे हैं और आप कुछ ऐसे वजह से छट जाए कि आपको पता नहीं था कि कैसे होगा और आप वहाँ पर बैठे हैं कि उसके लिए आप इंतज़ार करें कि अरे यह कहाँ से होगा कैसे होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस आपके लिए क्या क्या हैं। आप जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और अपने साथ वालों को शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर जा रहे हैं आपके पास ये वीडियो पहुंच गया तो आप उन्हें दिखा दीजिएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ इसमें आपका, सबसे पहले शुरू करता हूँ कि इसमें आपको एक्सरसाइज वहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्या करना रहेगा, आपके हाथ पे ना रोल नंबर लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ बोल देंगे लिखने के लिए। आपको जाना है वहाँ पे आईडी जो है आपका ARID 2022 करके ऑब्लिक करके जो भी है उस लास्ट आईडी को आपको लिख देना है 1008 9189। तो उसको आपको लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिख के जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा आपको एक मिनट का डेमो मिलेगा। एक मिनट के डेमो में आपको एक एक्सरसाइज चालू होगा और फिर नेक्स्ट जब आप एक बार फिर से लॉगिन करोगे वो जो एक मिनट का डेमो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो आपका 10 मिनट का पूरा टाइम चालू हो जाएगा। इसी तरीके से टाइम वहाँ पे चलेगा और ऊपर टॉप पे इसी तरीके सेम चलता है। तो आपको टाइपिंग करना होता है, एक मिनट के टाइपिंग के दौरान आपको क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि एक मिनट का जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उस बीच में आप ध्यान यह मत दीजिए कि मुझे टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाना है, बल्कि टाइपिंग को स्पीड को फोकस में नहीं रखते हुए आप की पर फोकस करिए, इंटर पर फोकस रखिए, अप डाउन साइड बॉटम लेफ्ट राइट जो भी एरो है उस एरो पे फोकस करिए। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। आपको बिल्कुल भी एक मिनट के टाइम में इन सब पे फोकस नहीं करना है और एक चीज़ पर और देखना है कि आप सॉफ्टवेयर में इंटर जब प्रेस करें कहीं पर लैग वैग जैसा इशू तो नहीं ना बन रहा है, इन सब चीज़ का ध्यान देना है। तो चलिए जैसे आप वहाँ पर गए तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। सॉफ्टवेयर वैसे ओपन हुआ मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपको आएगा वहाँ पे ओके करने के लिए। जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन होगा, ओपन करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा तो स्टार्ट एग्जाम नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ ऐसे मतलब एक ही बटन ऐसा रहेगा, स्टार्ट नाउ पे आप करेंगे तो तुरंत वो स्टार्ट हो जाएगा। और आपको आप ऐसा सोचेंगे कि चलिए स्टार्ट नाउ पे कर दिया, अब ऐसा आ गया तो अब मैं जाकर क्या कर रहा हूँ, इंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। देखिए मैं इंटर, आपका आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, एक मिनट देखिए, देखिए कुछ भी नहीं काम कर रहा है, इंटर नहीं काम करेगा। यहाँ पे आपको मैनुअली माउस से ही करना होगा। जब आप मैनुअली क्या करोगे कि माउस से क्लिक करोगे यहाँ पे तभी आपका स्टार्ट होगा। जैसे एक्सरसाइज नंबर 24 पे मैं लगाया हूँ तो आपको देखिए अब यहाँ पे आपका ऐसे ओपन होकर के आ गया, INTELLECTUALS इंटेलेक्चुअल्स हो गया ना, आर दोज हु हैव द INT। आप जैसे ऐसे टाइप कर रहे हो एंड द टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दबाना है। अगर दबा भी देंगे तो यह काउंट मतलब एरर काउंट नहीं होगा, लेकिन तो आपको स्पेस नहीं दबाना है, आपका झूठी टाइम बेकार होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे आने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद फिर से उसी तरीके सेम करना है, फिर आपको क्या करना है, इंटर करना है। सपोज दैट मान लीजिए मैं यहाँ पे इतना लिख दिया हूँ, यह लिख दिया और मुझे आगे जाना INT, फिर क्या हुआ, गलती से इंटर प्रेस हो गया। जब गलती से इंटर प्रेस हो गया तो मेरा वो क्या हुआ कि लाइन क्या हुआ कि गायब हो गया। फिर अब यहाँ पे हो गया, अब घबरा के मैं क्या किया, फिर से इंटर प्रेस कर दिया। तो अब पीछे जाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है कि अपर एरो, प्रीवियस लाइन के लिए अपर एरो, जैसे आप प्रेस करेंगे तो यह देखिए आपका लाइन आ गया, फिर से प्रेस करेंगे तो यह आ गया, फिर से प्रेस करेंगे तो यह आ गया। अब आप देखिए एरो यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है आपका कहाँ पे, सबसे स्टार्टिंग में। तो आप यहाँ से तो आप कुछ लिखोगे नहीं कि नहीं तो आपका उधर ही चला जाएगा। और आप ऐसे लेफ्ट या गो राइट, ये देखिए गो राइट वाला एरो जैसे आप प्रेस करोगे तो ऐसे आ रहा है। तो इतना भी आपके पास टाइम नहीं है।
तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप इसको एक एक एरो को इस तरीके से प्रेस करके आइए। तो आपको क्या करना, एंड जो कीबोर्ड में एंड वाला बटन दिखता है ना, जैसे आपका इस जगह पे था, आप एंड पर जैसे ही क्लिक करोगे आ जाओगे फिर जी आर राइट इंटीग्रिटी इज नॉट, अब फिर इतना लिखने के बाद आप इंटर कर दीजिए, फिर यहाँ पे आ गया। तो एंड पर क्लिक करके तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप अपना फिर आगे जा सकते हैं इस तरीके से। आपको ये समझ में आ गया ना, इंटर आपको सिर्फ प्रेस करना है और जैसे आपका टाइम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आपका एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली से हो जाएगा। और इससे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन यहाँ से आप जैसे कि मैं ऊपर चला जा रहा हूँ, ऊपर चला गया, अब ये देखिए लेफ्ट एरो गो राइट करने या लेफ्ट एरो से यह हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया। और यहाँ से अगर आपका ऐसे बाय द वे अगर ऐसे सेलेक्ट हो जा रहा है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे सेलेक्ट हो जा रहा है, तो आप गलती से भी अपना की को मत प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे आप की को प्रेस करोगे, जैसे मैं की को प्रेस करके दिखा रहा हूँ किसी भी सी को, देखिए पूरा यह आपका क्या हो गया कि मिट गया। तो ऐसा गलती मत करिएगा, अगर ऐसा बाय द वे अगर किसी कारणवश हो जाता है। अब यहाँ पे कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ऐसा कोई भी फंक्शन की आपका काम नहीं करेगा। तो चलिए चलते हैं कि ये आपका इतना मैं बता दिया यहाँ पे, देखिए वीडियो लंबा होगा तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आपको समझाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो आपको ये अभी बता दिया, माउस से ही आपको स्टार्ट करना होगा, टाइम का ध्यान दीजिएगा। बैक स्पेस का बात कर लूँ तो बैक स्पेस देखिए 99% आपका बैक स्पेस काम करेगा, 1% है कि वो ऑफ करके रखें, क्योंकि उनके हाथ में रहता है। इसको मैं कट करता हूँ फिर से ओपन करता हूँ, उनके हाथ में रहता है वो वहाँ से, सॉफ्टवेयर लाइसेंस रनिंग, वो उनके हाथ में रहता है कि वो वहाँ से यह देखिए बैक स्पेस को बंद करते हैं कि नहीं। अगर डिसेबल बैक स्पेस कर देते हैं तो क्या होता है, आपको वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो डिसेबल में अगर कर भी देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो देखिए टी यू इंटेलेक्चुअल्स, अब आर, आर भी हो गया, अब इसके पीछे मान लीजिए आर हो गया, दोज हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका अगर कोई भी अगर एक भी शब्द अगर आप लिख देते हैं तो पीछे नहीं होगा, वहीं पे लॉक हो जाता है, या नहीं कि एक स्पेस पीछे तक जितना लिख दिए वहीं पे लॉक हो जाता है। देखिए देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि यह हैव को मिटा लूँ, तो यह नहीं मिटेगा, यह आपका आगे ही जाते रहेगा, चाहे मैं ऐसे ही क्यों ना कर दूँ, यह बंद हो गया है, आपका यह काम नहीं करेगा। तो बैक स्पेस में आपका यह हो जाएगा, देखिए बैक स्पेस एंड डिलीट की इज नॉट अलाउड, यू कैन इंटर एंड गो टू द नेक्स्ट लाइन, आपका आगे, यानी कि बैक स्पेस आपका काम नहीं करेगा, आप इंटर करिए, नेक्स्ट लाइन पर जाइए और लिखिए। ये पॉइंट ये एक ही परसेंट है कि ऐसा लागू कर सकते हैं, क्योंकि इसको लागू ऐसे नहीं करेंगे, तो यह उनके हाथ में है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वैसे 99% फिर से मैं बोल रहा हूँ, 3-4 बार बोल चुका हूँ कि ये चालू नहीं करेंगे, आप इसके लिए घबराइए नहीं, बैक स्पेस आपको अलाउड रहेगा। और जितना मन पीछे जाना है पीछे, आगे जाना है आगे, आप उतना कर सकते हो। और एक कमेंट आया था फार्मूले को लेकर के इस जगह पे, आप ये देखिए प्लेलिस्ट को बता दे रहा हूँ इसी बीच में, आप प्लेलिस्ट या असम राइफल का बना हो, इस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, इसमें वीडियोस आपकी ऐड हो जाएंगे। इसी में कहीं पे शायद अभी मैं मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया था कि कोई बोला है कि यह जो वर्ड पर मिनट का कैलकुलेशन का फार्मूला आप बताए हो, वो जो है कि देखिए भाई 5 की स्ट्रोक इक्वल टू 1 वर्ड होता है। अब इनको मैं कहाँ से बताऊँ कि इनको मैं इतना अच्छा से बताया हूँ असम राइफल एनालिसिस यहाँ पे टाइपिंग करके कि कैसे क्या है, अब तब भी नहीं समझ में आ रहा है। एक्सरसाइज को कैलकुलेट करके बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया कि आप, अब इनके लिए मैं क्या बताऊँ, चलिए कमेंट में समझा दूँगा कि कैसे इसमें होता है, वो जाके वीडियो अपना देख लेंगे। बैक स्पेस का आपका क्लियर हो गया, बैक डेमो का बता दिए, 1 मिनट का डेमो मिलता है, उसके दौरान आप क्या काम करेंगे कि स्पीड को नहीं बनाएंगे आप, बैक स्पेस ये सब ऊपर नीचे इंटर लैग हो रहा है सॉफ्टवेयर में, नहीं कीबोर्ड कैसा है कैसा नहीं है, आप अपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के और इन सब चीज़ पर फोकस करिएगा। बस इतना इस वीडियो में मैं रखना चाहता हूँ, आई होप कि आपको यह पूरा इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया हो। अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड दोस्त यार को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद जय भारत।